एक तरफ हो जाइए सब लोग। भैया 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 अरे सामने से आ गया। अरे सामने से आ गया सर। आज धनबाद के लिए गौरव का दिन है कि समाज भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का स्वागत है। मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का स्वागत है। विकास पुरुष मुख्यमंत्री जिंदाबाद 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 रघुवर दास जिंदाबाद जिंदाबाद। अब उसी नए भारत के निर्माण का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हर जिला नया जिला। तो संकल्प के तहत नए भारत में नया धनबाद बने, उसी के तहत आज इस नए धनबाद के निर्माण में चाहे पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र हो, जलापूर्ति योजना का शिलान्यास हो, एक नया धनबाद की ओर अग्रसर धनबाद हो चुकी है। मैं आज के इस अवसर पर भारत सरकार के लोकप्रिय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी, पासपोर्ट के सभी पदाधिकारीगण, डाक सेवा के हमारे अधिकारी श्रीमती गुजूर, पूरी टीम को धनबाद की जनता और झारखंड की जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी चार दिन पहले ही सुषमा जी से हमारी बात हुई थी। हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप स्वयं धनबाद आए, लेकिन पीजी के कारण नहीं आ पाई। उन्होंने कहा कि आप कर दो, और जैसा कि हमारे क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने आपको बताया और मोदी जी की भी ये सोच है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, कानून की सरलीकरण और जो सेवा जनता को मिलनी चाहिए उनकी घर तक पहुंचो, यानी सरकार आपके द्वार। और उसी के तहत भारत सरकार पासपोर्ट विभाग ने, जैसा कि बताया गया, पूरे देश में 251 पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निश्चय किया, जिसमें झारखंड में 7 जगह को चिन्हित की गई। उद्घाटन हो रहा है 25 तारीख को दुमका में, 26 तारीख को हजारीबाग में और मार्च में मेदिनीनगर पलामू में। अभी तक जमशेदपुर, देवघर, बोकारो उद्घाटन हो चुके हैं। और जैसा पासपोर्ट अधिकारी ने बताया और झारखंड सरकार ने भी राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए उसकी टाइम बाउंड समय सीमा बद्ध की गई, जिसमें 21 दिन के अंदर राइट टू सर्विस एक्ट के तहत पासपोर्ट में भी सुविधा जनता को मिलनी चाहिए। लेकिन धनबाद पुलिस प्रशासन, धनबाद के महापौर श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी, आदरणीय विधायक फुलचंद मंडल जी, आदरणीय विधायक गुरु महतो जी, यहाँ जिला परिषद के अध्यक्ष रवि चंद्र गोराई जी, पोस्टमास्टर जनरल Hello.
जहां हुआ बलिदान मुखर्जी,